नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। वो नन्हे से बाल गोपाल, वो नटखट कृष्ण कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति ना होकर युग पुरुष थे। कृष्ण का गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक है। हम आपको श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जानें भगवान श्री कृष्ण किन 16 कलाओं में निपुण थे। आपने चंद्रमा की 16 कलाओं के बारे में सुना होगा, आपने 16 श्रृंगार के बारे में भी सुना होगा, पर क्या आपने श्री कृष्ण की उन 16 कलाओं के बारे में सुना है जिसमें श्री कृष्ण निपुण थे? जी हाँ, श्री कृष्ण ऐसी 16 कलाओं में निपुण थे जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। आखिर क्या है वो 16 कलाएं? उपनिषदों अनुसार 16 कलाओं से व्यक्ति अगर युक्त है तो वो ईश्वर तुल्य होता है। आपने सुना होगा कुमति, सुमति, विशित, मूद्र, शित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि शब्द, ऐसे शब्द जिनका संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। उक्तरोक्त चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं। उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन 16 अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। प्रत्येक मनुष्य में 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती हैं, अर्थात इसका संबंध अनुभूति यथार्थ ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न तरीके से मिलते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी 16 कलाएं हैं जिनमें श्री कृष्ण निपुण हैं। पहली कला, श्री धन संपदा। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। दूसरी कला, भू अचल संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारकापुरी को बसाया, इसलिए यह कला भी इनमें मौजूद है। कीर्ति, यश, प्रसिद्ध। जिसके मान सम्मान व यश की कीर्ति से चारों दिशाओं में गूंजती हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा व विश्वास रखते हो, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। लोग सहर्ष श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। इलावाणी की सम्मोहकता। चौथी कला का नाम है इला। इसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। पुराणों में भी ये उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधित व्यक्ति भी अपना सद्बुद्ध खोकर शांत हो जाता है, मन में भक्ति की भावना भर उठती है। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थीं। लीला आनंद उत्सव। पांचवी कला का नाम है लीला। इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला कथाएं सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। क्रांति, सौंदर्य और आभा। जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है,
वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में यह कला मौजूद थी, श्री कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। श्री कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल कृष्ण की मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियां कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थीं और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थीं। विद्या मेघा बुद्धि, सातवीं कला का नाम है विद्या। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद थी। कृष्ण वेद वेदांत के साथ ही युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति व कूटनीति भी श्री कृष्ण करते थे। विमल पारदर्शिता, जिसके मन में किसी प्रकार की छल कपट न हो, वह आठवीं कला से युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई बड़ा है और ना ही छोटा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया था। उक्त श्रेणी प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लगाई। नौवीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया है, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सके। ज्ञान नीर शीर विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो दसवीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो, अर्थात महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, वह कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है। क्रिया कर्मणता, 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। योग चित्तले, जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की, मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। प्रहवी अत्यंतिक विनय। 13वीं कला का नाम प्रहवी है, इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि का संचालन उनके हाथों में है, फिर भी इनमें अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं से पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। यह श्री कृष्ण की विनयशीलता है। सत्य यथार्थ। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम है सत्य। श्री कृष्ण कुट सत्य बोलने से ही परहेज नहीं करते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा? कृष्ण निसंकोच कह देते हैं, यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ईसना आधिपत्य। 15वीं कला का नाम है ईसना। इस कला का तात्पर्य है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना, जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है।
कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। अनुग्रह उपकार, बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आ जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये थी वो 16 कलाएं जिनमें श्री कृष्ण निपुण थे। हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। हरे कृष्णा। जन सत्य के सभी दर्शकों को इस्कॉन मंदिर हिमाचल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन पर विशेष भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाय, दिस इज अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। जन सत्य न्यूज़ के सभी श्रोताओं को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन सत्य चैनल के दर्शकों को जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए। मेरी दर्शकों से अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी COVID-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए हम मनाएं। लोकतंत्र 4 खंभों पर टिका है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। इसके जिस खंभे में भी घुन लग जाएगा लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ेगा। जैसा जन सत्य चैनल का नाम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जन तक सत्य, निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी खबरें आप पहुँचाने का काम करेंगे। और ये भी देखने में आया है कि आपकी चैनल के माध्यम से कई बार शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को न्याय भी मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस गौरवशाली परंपरा को निभाएंगे और चैनल की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।